नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने 22वां लेक्चर करंट अफेयर का आप लोगों के सामने है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पीसीएस की परीक्षा जो कि 12 जून को प्रस्तावित है, उसके लिए 22वां लेक्चर डेडिकेटली उसके लिए है। बेसिकली हम लोग करंट के पूरे राउंडअप ही कर रहे हैं, लेकिन ये जो लेक्चर है ये कम्प्लीटली है स्पोर्ट्स के ऊपर। स्पोर्ट्स में इसमें मैंने अवार्ड्स को इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज वो पिछले लेक्चर में अवार्ड्स में हमने ऐडअप कर लिया था, जो खेल रत्न मिले हैं या जो अर्जुन अवार्ड्स मिले थे, ठीक है। बाकी इसके अलावा लगभग जो इंडिया के साथ ओरिएंटेशन में है वो इंपॉर्टेंट है, और वो हम लोगों ने लगभग कवर करने की कोशिश की है। चलिए फटाफट देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रैंड स्लैम से। ग्रैंड स्लैम टेनिस का टूर्नामेंट जो कि विश्व में होता है, विश्व भर के स्तर पर होता है, और सबसे बड़ा आधिकारिक रूप से टूर्नामेंट है टेनिस के क्षेत्र में। इसके ये चार टूर्नामेंट होते हैं पूरे वर्ष भर में, है ना। और स्टार्ट होता है ये आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन से, और ख़त्म होता है यूएस ओपन पे। तो ये जो इस टाइम पे जो हो रहा है, इसमें हमारे दो जो ग्रैंड स्लैम है वो इंपॉर्टेंट है। एक तो पिछले साल का आखिरी वाला जो कि यूएस ओपन है, और इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन। फ्रेंच ओपन जस्ट अभी फिनिश हुआ है, तो उसके से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे कुछ बहुत कुछ बदला नहीं है, राफेल नदाल ही जीते हैं और विश्व रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। राफेल नदाल स्पेन एक ऐतिहासिक नाम हो चुका है, जो कि इतने ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं कि शायद उनके बराबरी करना भविष्य में बहुत मुश्किल हो जाएगा अन्य लोगों के लिए, ठीक। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वाला जो लेटेस्ट अभी इस वर्ष में हुआ था फ्रेंच से पहले, पुरुष वर्ग में जीता राफेल नदाल ने, ठीक है। और किसको हराया? डेनियल मेदवेदेव को, रशिया के हैं डेनियल मेदवेदेव, और राफेल नदाल स्पेन के, ठीक है। इस टूर्नामेंट को जीतते ही इन्होंने बराबरी कर ली थी रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच के 21-21 ग्रैंड स्लैम की। उसके बाद इन्होंने 22वां ग्रैंड स्लैम भी जीत लिया है फ्रेंच ओपन में। खैर, अब ये फ्रेंच ओपन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं बनेगा इस परीक्षा के लिए। महिला की श्रेणी में एशले बार्टी जीती, ये इंपॉर्टेंट है, है ना। नया सा नाम आपको दिखेगा, एशले बार्टी। ये कहाँ से आती हैं? ब्रिटेन से। तो यहाँ ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद यूएस ओपन 2021 जो लास्ट ईयर के अंतिम समय में अक्टूबर नवंबर में होता है, ये जीते पुरुष श्रेणी में डेनियल मेदवेदेव, वही जो इनसे हारे थे, है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन में, रशिया के हैं पुरुष वर्ग में। और महिला में एम्मा रोडुकानू, ये इम्पोर्टेंट, सही, एम्मा रोडुकानू यूके की हैं। एशले बार्टी आई थिंक, मुझे क्लियर नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं शायद, मैं इसमें एग्जैक्टली इनको नहीं बोल सकता हूँ। एम्मा रोडुकानू ये यूके की हैं, और ये भी हैं एम्मा रोडुकानू से क्वेश्चन आने के लिए, बिकॉज ये पहली अनसीडेड महिला हैं खिलाड़ी जिन्होंने की टाइटल जीत लिया ग्रैंड स्लैम में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इनको कोई सीड नहीं थी, इनकी कोई रैंकिंग नहीं दी गई थी उस टूर्नामेंट में। हर टूर्नामेंट में रैंकिंग दी जाती है ना, जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं उनको। तो ये अनसीडेड प्लेयर थी जो जिन्होंने की ये यूएस ओपन जाके जीता है। इसके अलावा देखिए, समीर बनर्जी भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने की युवा वर्ग में, है ना, विंबलडन वाला जीता था। उस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना, विंबलडन थोड़ा पीछे चले जाते हैं, लेकिन स्टिल समीर बनर्जी का नाम आए तो याद रखना, जो पिछले वर्ष का यूथ विंबलडन चैंपियनशिप हुई थी उसको जीता था उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ ये क्लियर हो गया, आगे समीर बनर्जी वाली बात क्लियर होगी, है ना, इंडियन ओरिजिन के यूएस के प्लेयर हैं जिन्होंने यंग विंबलडन जीता, हाँ 2021 को जीता, ये इंपॉर्टेंट है। विंटर ओलंपिक अभी हुआ था 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2022 के बीच में, अभी बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे आपको न्यूज़ में नहीं मिल रहा होगा, लेकिन परीक्षा के लिहाज से क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज भारत की तरफ से आरिफ मोहम्मद खान ने स्कीइंग में पार्टिसिपेट किया था, एकमात्र पार्टिसिपेशन था ये, ठीक है। मेडल इंडिया को अनलकली नहीं मिल पाया, बिकॉज विंटर के जो स्पोर्ट्स होते हैं अभी इंडिया में इतने प्रचलित नहीं है, इतने ऐसे अभी क्लाइमेट भी बहुत कम जगहों पर हैं, कश्मीर से आते हैं सबसे मेन बात ये भी है, ठीक है। रैंक वन पे नॉर्वे आया था 37 मेडल के साथ, चीन आया था 15 पे, और ये हुआ कहाँ पे? चीन में ही। तो ध्यान देना है आपको, है ना, 91 देशों ने विंटर ओलंपिक में हिस्सा लिया जिसमें नॉर्वे रैंक वन था, क्लियर। इतना ही हमें बस पढ़ लेना होगा, आरिफ मोहम्मद खान का नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है। पैरा ओलंपिक भी हुए थे सितंबर में, थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन करना हमारे लिए जरूरी है, पैरा ओलंपिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और जब पिछली पीसीएस की परीक्षा हुई थी उस समय ये हो रहा था, है ना, तो उसके बाद ही हुआ था, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होगी, शायद क्वेश्चन यहाँ से लोग पुट अप कर दें। पैरा ओलंपिक में इंडिया की पोजीशन बहुत अच्छी थी, 24वें नंबर पे हम लोग आए हैं 19 मेडल जीत के। पैरा ओलंपिक भी 16वां पैरा ओलंपिक था जो कि जापान में हुआ, जापान के शहर टोक्यो में। जापान पहला ऐसा देश है कि एक ही देश में दो बार पैरा ओलंपिक हुए हो, है ना,
इसको ध्यान देना है। रैंक वन पे चीन था, सेकंड पे यूके, थर्ड पे यूएसए, इंडिया 24th नंबर पे, 24वें नंबर पे। 19 मेडल जीते हैं भारत ने, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 5 स्वर्ण हैं, 8 रजत है और 6 कांस्य हैं। 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। जो गोल्ड वाले हैं वो जरूर देख लीजिएगा, सारे आप लोगों को नाम भी दिख रहे होंगे, कई सारे बड़े फेमस नाम जो कि यूज हुए थे किसमें भी, खेल रत्न भी। अवनील अखेरा क्लोजिंग सेरेमनी में इन्होंने भारत का ध्वज भी किया था, मतलब कि लीड किया था इंडियन कंटिजेंट को समापन समारोह में, क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर थे, ठीक है। और ओपनिंग सेरेमनी में टेकचंद थे एथलीट, है ना। सुमित अंतिल, मनीष नारवाल, प्रमोद भगत, कृष्ण नागर, ये दोनों तो बैडमिंटन थे, सुमित अंतिल एथलेटिक्स थे और ये शूटिंग, अवनी भी शूटिंग, है ना, ये ध्यान देना आपको। तो शूटिंग, एथलेटिक्स, शूटिंग, प्रमोद भगत जी और कृष्ण नागर, ये आपके बैडमिंटन। बैडमिंटन में ही भारत के प्रशासनिक सेवा के सुहास एलवाई जो कि डीएम थे गौतम बुद्ध नगर के, उन्होंने भी सिल्वर मेडल आई थिंक जीता था, सिल्वर या ब्रॉन्ज क्लियर नहीं, लेकिन वो पहले सिविल अधिकारी हुए जिन्होंने मेडल जीता, ठीक। तो यहाँ ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अब अभी आगामी आने वाले जो खेल हैं वो देखने होंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते, पहले क्वेश्चन खूब आते थे, अभी तो ये कम आ रहे हैं। आईसीसी वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप कहाँ होने जा रहा है, साउथ अफ्रीका में 2023 में होगा लेटेस्ट। अगला आईसीसी का T20 महिला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में 2023 में। पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप इस साल होगा ऑस्ट्रेलिया में, 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होगा, फटाफट रखने हैं बस। क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया में होगा, बताने की नीड नहीं है। पुरुषों का वनडे इंटरनेशनल, फीफा अंडर 20 है ना वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप मेल वाला इंडोनेशिया में। फीफा अंडर 17 विमेंस का वर्ल्ड कप फुटबॉल का इंडिया में। फीफा अंडर 17 मेल का पुरुषों का पेरू, लैटिन अमेरिका का देश पेरू। फीफा वर्ल्ड कप इस साल कतर में होने जा रहा है, कतर अभी हाल ही में न्यूज में आया था, चर्चा में भी आया था कंट्रोवर्सी को लेकर भारत के साथ। हॉकी का वर्ल्ड कप भारत में होगा 2023 में, है ना। हॉकी का वर्ल्ड कप महिलाओं का वुमेन्स का स्पेन और नीदरलैंड में होगा, ठीक, क्लियर है। नेशनल गेम्स इस साल मेघालय में हो रहे हैं, मेघालय में होंगे। खेलो इंडिया जो स्पोर्ट्स बहुत नए स्पोर्ट्स हैं, ये मतलब कि स्कूली लेवल से जो एक प्रकार से जूनियर नेशनल की तरह ये बिहेव कर जा रहे हैं और बहुत बड़ा प्रमोशन है इसमें ना, इस विद्यालय लेवल से ही स्पोर्ट्स को लेकर बच्चों में रुचि जगाने के लिए। तो खेलो इंडिया इस वर्ष कहाँ हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है। कॉमनवेल्थ इस साल होंगे यूके के बर्मिंगम में, बर्मिंगम में, ठीक है, आपको ये ध्यान देते रहना होगा। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में संपन्न होगा। करंट अफेयर की पीडीएफ हमारी ऐप पे भी लगी हुई है, चाहो तो उसको ले सकते हो, समय तो बहुत कम है, लेकिन मेरे ख्याल से 800-900 करंट अफेयर आपको वहाँ मिल जाएंगे, तो ब्रशअप कर सकते हो। करंट अफेयर बहुत डेडिकेटेड पोर्शन है, क्विजेज हैं यूपीपीसीएस की को बहुत सारी फ्री पड़ी हुई है, उसको देखिए आप लोग, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चंस को। हर इसके साथ साथ टेस्ट है, टेस्ट लगाने का तो आपके पास टाइम ही नहीं, अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन टेस्ट अब इस टाइम पर टेस्ट करने का कोई फायदा ज़्यादा होगा नहीं। ऐसे कर सकते हैं कि ओपन करके खुद से बस पढ़ते रहिए उसको एक्सप्लेनेशन के साथ, यही हो सकता है बस। जो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसका विनर इस बार कौन रहा है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, 7th टाइम, 7वीं बार जीते हैं ये लोग, और फाइनल में किसको हराया इन्होंने, इंग्लैंड को। हुआ कहाँ पे टूर्नामेंट, ये न्यूजीलैंड में, ठीक है। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन रही, एलिसा हिली, एलिसा हिली इंपॉर्टेंट है। भारत 7 में से 4 मैच हार गया था। मिताली राज ने सारे वर्ल्ड कप खेले हैं, अभी उन्होंने संन्यास भी ले लिया, भारतीय कप्तान थी, ठीक। चलिए, भारतीय कप्तान आई थिंक वो नहीं थी, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेलने का रिकॉर्ड उनके नाम बन गया। भारत ने अपना 1000वां वनडे इंटरनेशनल खेला है, कहाँ पे, अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ, अभी पिछले साल ही हुआ था लास्ट में, और अहमदाबाद का जो स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम नरेंद्र मोदी जी के नाम से, उसमें हुआ था ये, और दुनिया की पहली टीम बनी है भारत जो कि 1000 वनडे इंटरनेशनल पूरे कर चुकी है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था भैया अभी, है ना, वेस्टइंडीज़ में हुआ था, इंडिया फिर जीत गया 5वीं बार। फाइनल में किसको हराया हम लोगों ने, इंग्लैंड को, ठीक है, फाइनल में किसको हराया, इंग्लैंड को। हमारे कप्तान कौन थे अंडर 19 के, यश ढुल, यश ढुल। मैन ऑफ द मैच कौन मिले, रवि बाबा करके ना, या राज बाबा करके थे फाइनल में। ये कैप्टन को याद रखना है, ठीक है। 5th टाइम वेस्ट इंडीज वेन्यू, ये इंपॉर्टेंट है।
फिर अगर देखें बैलन डी ओर पुरस्कार, फ्रांस में दिया जाता है बैलन डी ओर पुरस्कार, बेस्ट फुटबॉलर को दिया जाता है दुनिया के, और फिर सिस्को लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के जो फुटबॉलर हैं बहुत प्रसिद्ध, उनको दिया गया है अर्जेंटीना, ठीक है, लियोनेल मेसी। ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप दुनिया की सबसे पुरानी बैडमिंटन चैंपियनशिप है, जिसको अब तक दो भारतीयों ने जीता है, पुलेला गोपीचंद और प्रकाश पादुकोण जी ने। इस वर्ष फाइनल में लक्ष्य सेन पहुंचे थे, लक्ष्य सेन बहुत फेमस नाम है, थॉमस कप में भी भारत को बहुत जबरदस्त विजय दिलाई इन्होंने। ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती किसने, डेनमार्क के विक्टर एक्सिस लेसेन ने, ठीक है, और यही इस बार के बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर भी रहे हैं, है ना, बैडमिंटन चैंपियनशिप के माने जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य सेन हो गए। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप भी बैडमिंटन की होती है, जो जीती कि सिंगापुर के लोह किन यू ने, और हराया किसको फाइनल में, किदांबी श्रीकांत, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किदांबी श्रीकांत फाइनल में इसके पहुंचे थे इस टूर्नामेंट के। अब शतरंज की अगर बात करें तो इस बार फिर शतरंज जो दुबई में हुई थी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, उसको मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है, ब्रिटेन के मैग्नस कार्लसन, 5वां खिताब है इनका लगातार। थॉमस कप अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, मई में ही, शायद कहीं से क्वेश्चन आ जाए, भारत ने इतिहास रचा है, थॉमस कप ये लगा लीजिए कि वर्ल्ड कप के बराबर होता है क्रिकेट के ना, और भारत ने 13 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हराया है, जबरदस्त। कहाँ हुआ था ये, थाईलैंड में हुआ था, भारत ने पुरुष वर्ग में इंडोनेशिया को हराया, और पहली बार भारत 3-0 से, मतलब पहली बार इंडिया ने थॉमस कप जीता है और 3-0 से हराया फाइनल में, ठीक है। भारत की जो कोर टीम थी कौन कौन थी, लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत, चिराग शेट्टी और रणकीव रेड्डी, ठीक है, ये टीम को भी याद रखना है आपको, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आई थी, यहाँ से क्वेश्चन आना सर्टन सा लग रहा है। इसके बाद ये नाम आप मत भूलिएगा, मास्टर पी रमेश बाबू, प्रसन्था रमेश बाबू, बहुत ही कम उम्र में 11 से 12 साल की एज में इन्होंने मैग्नस कार्लसन को 2 बार हरा दिया, शतरंज के खिलाड़ी हैं ये, ग्रैंड मास्टर है ना, भारत के हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया था, न्यूज़ में बहुत आई थी ये, ठीक है, छोटा सा लेक्चर था, लाइव लेक्चर अब जो मैराथन लेक्चर होगा इवनिंग में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा, प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहिए, बस पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।